विधायक नसीम जी, हमारे जिला प्रमुख मुंडल जी और अन्य सभी मंच पे उपस्थित सभी लोगों का और आप सभी पार्टी के अधिकारी और सभी यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि ये आईटी सेल की बैठक है, हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो अपने आप को प्रचार, अपने आप का प्रचार तो करता ही है, साथ में जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसका प्रचार प्रसार भी करता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले उस पार्टी का प्रचार प्रसार करें, बाद में अपना। चुनाव का समय है, यहाँ पर विपक्ष चाहती है कि जो कांग्रेस का जन आधार बना हुआ है उसी तरह बना हुआ रहे, लेकिन हम भाजपा वाले चाहते हैं कि मेवात में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो, यहाँ पर भाजपा उसी तरह से उसी दम से आए जैसे कि देश में आई है, प्रदेश में आने वाली है, उसी तरह हमारे मेवात में भी उसी तरह से आए। मैं आप सभी से ये सहयोग चाहती हूँ कि छोटे छोटे इशू जो भी हमारे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो भी विपक्ष उठाता है उस पर हमें मेनली स्ट्रांग होकर बहुत ही उस पर काम करना है, उस पर अपने विचार रखने हैं। सभी को मिलकर ये ना सोचे कि हम अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाएं, बल्कि ये सोचे कि हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये संवाद से लक्ष्य का कार्यक्रम है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पंकज भंडारी जी ने चंडीगढ़ से शुरू किया। इस आईटी सेल के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में हमारे आईटी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और मिलकर उनको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप किस तरीके से और इफेक्टिवली उस पर काम करना है वो सारी चीज़ बताते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, विकास कार्यों के आयाम हरियाणा में नए स्थापित हुए हैं और उसके बारे में कैसे जन जन तक योजनाएँ, क्योंकि जन जन तक योजनाएँ सिर्फ आजकल अखबारों के माध्यम से या फिर लोगों से मिलकर नहीं, सोशल मीडिया पे भी प्रचारित करनी चाहिए, उसका एक कार्यक्रम। आज यहाँ लोगों से बात हुई है तो किस तरीके से उनको यहाँ सोशल मीडिया के बारे में बताया गया था, किस तरीके से जागरूक किया गया था? जी, ये मेवात के अंदर ही हमारा पहला कार्यक्रम था संवाद से लक्ष्य, जो कि क्षमता में हुआ है। यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है, परिवर्तन की लहर है। हमने सभी को यहाँ पे समझाया है कि फेसबुक को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को किस तरीके से हमारी सरकार की नीति बताने में लगाना है और फेक न्यूज़ जो कि एक प्रचंड रचा जाता है विधानसभा या कोई भी जब चुनाव आता है उससे कैसे बचना है, उससे सारे तरीके भी बताए गए।